मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को दिग्विजय सिंह के गढ़ राघोगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान राघोगढ़ प्रभारी महेंद्र सिंह यादव ने दोनों ही नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य जनता तक अपनी योजनाओं को पहुंचाना था, जिसमें लाडली बहना योजना जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को निशाने पर भी लिया। सिंधिया ने कांग्रेस पर वार करते हुए कुछ पंक्तियां सुनाकर कहा कि रावण जैसा अहंकार नाम है उनका बंटाधार। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 50,000 नई सरकारी भर्तियों का ऐलान भी किया। साथ ही ये भी कहा है कि 10 जुलाई को इंदौर से लाडली बहना योजना के तहत बहनों के खातों में पैसा डाला जाएगा। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया राघोगढ़ में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होने आए थे। इस दौरान सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का गौरव भी बताया। ये पहली बार है कि जब सीएम शिवराज सिंह और सिंधिया एक साथ दिग्विजय के गढ़ में आए हैं। इससे पहले सिंधिया ने सिर्फ एक बार राघोगढ़ में सभा की थी, तो वहीं सीएम भी 2018 के बाद अब राघोगढ़ आए हैं। तो एक व्यक्ति मुझे राघोगढ़ का मिला और उस व्यक्ति ने मुझे एक पंक्ति सुनाई शिवराज सिंह जी, जो मैं यहां सुनाना चाहता हूं, और अगर सही है तो मेरा साथ तालियों की गड़गड़ाहट से देना। एक पंक्ति उन्होंने मुझे सुनाई कि एक थी बाप बेटे की जोड़ी निराली, एक थी बाप बेटे की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मध्य प्रदेश की झोली खाली। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। एक थी बाप बेटी की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की झोली खाली। रावण जैसा अहंकार रहता सिर पर सवार, न उठे अपनी ऊंची गद्दी से एक इंच भी, नाम है उनका मैंने नहीं बोला, आपने बोला, नाम है उनका बंटाधार। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। 1,000 शुरुआत, जैसा सिंधिया जी बता रहे थे, 1,250 करूंगा बढ़ा के बाद में, फिर 1,500 करूंगा, 1,750 करूंगा, 2,000 करूंगा, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम हो गया, पैसा बढ़ाता जाऊंगा और 3,000 महीना तक लेके जाऊंगा, ताकि मेरी कोई बहनें दुखी ना रहे। ये सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे रहेंगे। यहाँ पे लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, भव्य बिल्डिंग होगी, यहाँ खेल का मैदान होगा, और गांव के लिए, केवल राघोगढ़ के लिए नहीं होंगे, आसपास के गांव के बच्चे भी यहाँ आएंगे। लेकिन आएंगे काय में, मामा बस भेजेगा गांव गांव, तो बस जाएगी, बच्चों को बिठाएगी और सीएम राइज स्कूल में पढ़ाने लाएगी, शाम को गांव में फिर छोड़ देगी। स्मार्ट क्लास होगी। स्मार्ट क्लास का मतलब, ध्यान से सुनना, कि दिल्ली और बंबई में भी बैठ के विद्वान अगर टीचर पढ़ाएगा तो राघोगढ़ में साफ दिखाई देगा, बच्चों से सवाल भी पूछ पाएंगे, हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा और किसान और गरीबों के बेटा बेटी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।